नमस्कार, आरा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बुलंदशहर के नरौरा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और रोडवेज बस की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में लगभग 10 यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 7 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन में आग लगी है, जिस तरीके से टक्कर हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि हादसे में लगभग 10 यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी तक कितने लोगों की इसमें मौत हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल हुए हैं। तो हादसे में लगभग, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे सत्यवीर जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, अब तक कितने लोगों के घायल होने की अपडेट है? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें ये NH 509 की मामला है और दिल्ली बदायूं हाईवे और बुलंदशहर की नरा थाना क्षेत्र के रतनपुर के पास हुआ है जी और लगभग सुबह 7:30 बजे के लगभग हुआ था, जी जिसमें तेज रफ्तार ट्रक के रोड बस टकरा गई, जी जिसमें लगभग दर्जन भर यात्री घायल हुए थे। और जी आपको बता दें कि रोड बस का ड्राइवर जो है फंस जी गया था, जी जो काफी देर इसकी रेस्क्यू के बाद जी उसे बाहर निकाला गया। और अपडेट की बात करते हैं हम जी तो स्थानीय अस्पताल से भर्ती कराया गया, जी जहां उसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो जी अभी तक सिर्फ एक जो चालक था उसकी मौत हुई है अब तक? जी जी बाकी जो घायल हैं उन्हें CSC में दवाई भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक देखते हुए हाई सेकेंड रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जहां उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल कोई अपडेट की बात करते हैं तो फिलहाल जो है सूचना नहीं मिल पा रही है और फिलहाल इलाज चल रहा है। जी टक्कर जो हुआ है उसके बाद जो ट्रक जो चला रहा था चालक, वो पकड़ा गया या फिर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? देखिए फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर है जी और जो स्थानीय लोगों उनके द्वारा बताया जा रहा था कि जी ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि जी जो रोड बस जो आमने सामने टक्कर हुई है। और आपको बता दें कि उसमें एक कार और एक बाइक बाइक सवार भी चोटिल हुआ है, जिसको वो भी जो है CSC में भर्ती कराया गया। जी इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए पुलिस फिलहाल जो है जिस तरह से जैसे घटना की सूचना मिली तो CEO DY बन्ना शर्मा और थाना पुलिस बल के साथ वहाँ मौजूद रहे और काफी देर से रहा है। उसके बाद वहाँ से जो है सभी को जो पुलिस द्वारा CSC में भर्ती कराया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बुलंदशहर से ये खबर है, जहां पर आपको बता दें कि ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई, जिसमें काफी लोग घायल हुए। कन्नौज के सौरिख थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटोमोबाइल की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने आनन-फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से आग भीषण लगी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश, आग कैसे लगी, क्या अभी तक इसका कुछ पता चला है? जी बिल्कुल, आपको बता दें संदिग्ध परिस्थितियों में एक दुकान में आग लग जाती है, इसके बाद कभी उसमें लाखों का सामान जलकर राख हो जाता है। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी व पुलिस ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का कारण स्पष्ट हो पाया है। जी तो इस पर अभी तक कितने कितने के नुकसान हुआ है, जो जिस तरीके से ये आग भीषण मोबाइल की दुकान में लगी है? तो जो मोबाइल स्वामी था उसका क्या कुछ कहना है कि अभी तक कितने का नुकसान हुआ है, अंदाजा कितने का लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं जिस तरह से मोबाइल स्वामी का कहना है कि हमारी दुकान में लाखों के मोबाइल रखे थे, वहीं कुछ बने हुए रखे थे, कुछ बने हुए रखे थे, जिसको लेकर करीब लाखों का नुकसान बताया जाता है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो
बता दें कि कन्नौज में भीषण आग लग गई, जिसको देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से आग लगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गजरौला थाने में दो सिपाहियों के बीच मामूली विवाद ने विकराल रूप ले लिया, जिसमें थाने में तैनात महिला सिपाही मेघा की जान चली गई। दरअसल थाने में तैनात पुलिसकर्मी मनोज कुमार ने मामूली कहासुनी के बाद साथ लाए तमंचे से महिला सिपाही को गोली मार दी। महिला सिपाही मेघा को गोली मारने के बाद मनोज ने खुद को भी गोली मार दी। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी मनोज मेघा से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन महिला सिपाही उसे लिफ्ट नहीं देती थी। इसी बात से नाराज होकर पुलिसकर्मी देशी तमंचा लेकर गजरौला थाने पहुंचा, जहां उसने महिला सिपाही को बात करने के बहाने बुलाया और गोली मार दी, जहां मेघा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पुलिसकर्मी मनोज की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर दानवीर जुड़ चुके हैं। दानवीर, इस पूरे मामले पे अभी क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। मुझे अमरोहा जनपद के गजरौला थाने का मामला है, जो रात बीती रात एक महिला कॉन्स्टेबल को सिपाही ने गोली मार दी, लेकिन थाने में दोनों तैनात थे। तो आपको बता दें, महिला के तो मौके पर ही डेथ हो गई थी, उसके बाद जो कॉन्स्टेबल था उसको भी अपने आप को भी गोली मारी थी। उसे घायल यहाँ सिपाही हॉस्पिटल में लाया गया था मुरादाबाद। तो उसके बाद हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, जो महिला के परिजन है, जो महिला कॉन्स्टेबल थी, उनके परिजनों से भी मेरी बात हुई थी अभी आधे घंटे पहले। तो उन्होंने बताया है कि ये एक ही जिले के दोनों रहने वाले हैं, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। तो उसके बाद जो हाई हेलो जैसे बता रहे थे, अभी परिवार वालों ने बताया था कि आपस में बोलचाल थी, लेकिन पिछले काफी समय से ये लड़का फोन द्वारा जो कॉन्स्टेबल था, महिला कॉन्स्टेबल को धमकिया देता था और जान से मारने की बात कहता था। तो उसके बाद अपने महिला जो कॉन्स्टेबल थी, उसने अपने परिवार वालों को फोन कर बताया था रात ही। तो रात उसके परिवार वाले उससे आए नहीं थे, उससे पहले ये घटना को अंजाम दे दिया। और ये एक ही किराए पर रहते थे एक ही जगह, तो एक महिला कॉन्स्टेबल और रहती थी, उनसे भी हमारी बात हुई थी। उन्होंने ये बताया था आए दिन ये प्रताड़ित करता था, और उस महिला कॉन्स्टेबल की तरफ से अपनी कोई लिफ्ट नहीं देती थी वो, और वो अपनी तरफ से एक तरफा प्यार अपना करता था। उसके दौरान ये घटना घटी और उसने ये घटना को अंजाम दे दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, हम आपको बता दें, देखो पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि अभी इस मामले में जांच की जा रही है, और जो देसी तमंचा बताया जा रहा है वो देसी तमंचा बरामद पुलिस ने नहीं किया है। आखिरकार देसी तमंचे का जो मामला सामने आया कि देसी तमंचे से फायर किया है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी का कहना है कि आखिरकार अभी इस मामले में तस्वीर जानकारी की जा रही है, जो भी जांच होगी आपके सामने दी जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि मुरादाबाद में एक महिला कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई। तो एक तरफा प्यार में ये बता दें कि महिला कांस्टेबल को गोली मारी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार में सेना ने देश के नेता आंग सांग और राष्ट्रपति यू विन को गिरफ्तार कर लिया है, और इसके बाद पूरे देश में एक साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। सेना ने पूरे देश में एक साल के लिए आपातकाल लगा दिया है, और पूर्व जनरल तथा उपराष्ट्रपति मिंट स्वे को कार्यकारी राष्ट्रपति बना दिया है। इसके साथ ही उन्हें सेना प्रमुख का भी दर्जा दिया गया है। म्यांमार में सड़कों पर सेना तैनात की गई है और फोन लाइनों को बंद कर दिया गया है। म्यांमार में पिछले कुछ समय से सरकार और सेना के बीच तनाव की खबरों के बीच यह कदम उठाया गया। म्यांमार में तख्ता पलट पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजनौर में भाकियू की आज महापंचायत, नरेश टिकैत समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिजनौर में भाकियू की आज महापंचायत होने वाली है, जिसमें नरेश टिकैत समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। तो कई बड़े किसान नेता महापंचायत में शामिल होने
पहुंचेंगे, जहां पर आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत के लिए गांव में मुनादी होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां पर पंचायत में भारी संख्या में किसान शामिल होंगे। तो इस पंचायत में बता दें कि गांव के मुनादी महापंचायत में भारी संख्या में शामिल होंगे। तो बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो महापंचायत को लेकर जिले में भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ड्रोन कैमरे से इस महापंचायत पर पुलिस नजर रखेगी। तो लगातार किसान आंदोलन जारी है। इसी बीच बिजनौर में बता दें कि आईटीआई मैदान में महापंचायत की जाएगी, जिसमें भारी संख्या में किसानों की पहुंचने की उम्मीद है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ड्रोन कैमरे से पुलिस बता दे कि इस महापंचायत पर नजर रखेगी। तो सुरक्षा व्यवस्था के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि कई बड़े किसान नेता इस महापंचायत में शामिल होंगे। तो काफी संख्या में यहाँ पे किसान पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में बता दें कि बिजनौर में महापंचायत रखा गया है, जहां पे सभी किसान पहुंचेंगे। किसानों की महापंचायत के लिए गांव में मुनादी की गई है। इस बीच बस्ती से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बता दें कि ग्राम प्रधान और सचिव ने धांधली की है। तो बड़ी खबर हम आपको बस्ती से बता रहे हैं, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव ने धांधली की है, जिसका पोल खुल गया है। ग्राम प्रधान सचिव ने शौचालय की धनराशि निकाली। बड़ी खबर बता रहे हैं 11,28,000 रुपए का गबन किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी ने अब वसूली के निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी घोटाला हुआ है उस पर बता दिए, यह पूरा मामला विकासखंड दुबौलिया के चकोरी का है, जहां पर यह घोटाला हुआ है। ग्राम प्रधान और सचिव ने बहुत बड़ी धांधली की है। ग्राम पंचायत सचिव ने शौचालयों की धनराशि निकाली, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि 11,28,000 रुपए हैं, जिसको गबन किया गया है। तो जिलाधिकारी ने मामले को देखते हुए वसूली के निर्देश दिए हैं। तो विकासखंड दुबौलिया के चकोरी ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर बता दें कि विकासखंड दुबौलिया के चकोरी का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर धांधली की है। मामले को देखते हुए जिलाधिकारी ने वसूली के निर्देश दिए हैं। देखना होगा कि इन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। जिस तरीके से मामले की जानकारी जिलाधिकारी को हुई, तो जिलाधिकारी ने तत्काल ग्राम प्रधान से और सचिव से वसूली के निर्देश दिए। तो बस्ती से बड़ी खबर है, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव ने धांधली की है। एक तरफ सरकार गरीब किसानों के लिए तमाम योजनाएं लाती है, लेकिन धरातल पर उतरने से पहले ही ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर घपला कर देते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण बस्ती से देखने को मिला है। हालांकि जिलाधिकारी ने तत्काल इन पर कार्रवाई करते हुए वसूली के निर्देश दिए हैं। तो विकासखंड दुबौलिया के चकोरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह गबन हुआ है। ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पर किशन शुक्ला जुड़ चुके हैं। किशन,
ग्राम प्रधान और सचिव ने मिलकर 11,28,000 रुपए का गबन किया है। अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आई है? देखिए बिल्कुल जी, ये बस्ती जिले के दुबोलिया विकास खंड के ये चकोही ग्राम पंचायत का मामला था, जो प्रधान व सचिव ने 11,28,00,000 रुपए का गबन का मामला सामने आया था। जिसमें मामला जब ये जांच हुआ और जांच होने के बाद इसमें जिलाधिकारी बस्ती ने वसूली के आदेश दिए हुए हैं और इसमें वसूली अब की जाएगी। तो कहीं कहीं देखिए ये शौचालय को लेकर अब काफी मामला बस्ती जिले में सामने आया, जो तमाम ग्राम पंचायतों में गमन और अनियमितता तमाम सारे चीजें का आरोप लगा। इसमें अब कठोर कार्रवाई की जा रही है। अब इतने ऐसे कठोर कार्रवाई होने पे अब कहीं ना कहीं अब जिले में हड़कंप तो मचा ही हुआ है। इतने लोग अनियमितता और गमन किए हुए हैं तो अब उनमें खलबली मच चुकी है। मामले का भंडाफोड़ कैसे हुआ? देखिए बिल्कुल जी, जब विकासखंड दुबोलिया के चकोही में नियमों को साथ पे रखकर प्रधान सचिव ने जो काम किया था उसके परिवेश में तौर पर तैनात किए गए जो एडीओ पंचायत की थे उनमें कामों में रुकावट आई थी। उसके कारण उसमें एडीओ पंचायत का प्रभार भी उस समय थे, जो प्रशासक भी थे, और शौचालय के निर्माण को लेकर जब ये 11,28,00,000 रुपए गमन का मामला सामने आया, जो इसमें आरोप लगाए गए, इसमें जांच कराई गई थी। और जब जांच हुई तब इसमें डीएम जो आशुतोष निरंजन जी हैं, गमन में धनराश का आधा जो धन है वो ग्राम प्रधान और सचिव से वसूलने का निर्देश दिया हुआ है। वसूली के बाद इन पर क्या कुछ जिलाधिकारी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी तक जो जिलाधिकारी ने इसमें वसूली का निर्देश दिया हुआ है और दोनों जो भी धनराश इसमें गमन किया गया है उसमें प्रधान और सचिव से वसूली के लिए कहा किया गया। उसके बाद अब वसूली करने के बाद फिर क्या कार्रवाई होगी अब तो कुछ आने वाला समय ही बताएगा। चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि विकास खंड दुबोलिया के चकोरी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर घपला हुआ है, तो ग्राम प्रधान और सचिव पर धांधली का आरोप लगा है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।